के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और खास तौर से हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के दशहरा का एक बहुत बड़ा महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दशहरे के त्यौहार को हम मनाते हैं, और मैं पूरे प्रदेशवासियों को और कुल्लू के विशेष तौर से जहां अंतर्राष्ट्रीय ये हमारे दशहरा मनाया जाता है, वहां सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और स्वाभाविक रूप से बुराई पर अच्छाई की जीत, ये एक बड़ा संदेश जो है दशहरे के माध्यम से आज पूरे देश भर में और पूरे देश के साथ साथ में हमारे समाज में जो है दिया जाता है। और मैं यही कामना करता हूं कि हम आगे बढ़े, अच्छाई के साथ आगे बढ़े, और देश और प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। सर, बर्फबारी हुई है मनाली रोहतांग में, कई गाड़ियां फंसी थी, लेटेस्ट अपडेट जानना चाहेंगे। 4.5 इंच के लगभग बर्फ रोहतांग में रिकॉर्ड किया गया था पिछले कल, और उसके कारण लगभग 40 के लगभग गाड़ियां वहां पर फंसी थी। लेकिन पिछले कल ही वो सारा रास्ता जो है क्लियर कर दिया गया था, और जितनी भी गाड़ियां और गाड़ी में जो लोग थे उनको सुरक्षित जो है वो निकाल दिया गया है। इस प्रकार की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मौसम अचानक खराब हुआ, इस बात के कारण थोड़ी कठिनाई जरूर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई परेशानी वाला विषय उसमें नहीं। सर, दिल्ली गए थे, अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, और इन्वेस्टर मीट को लेकर किस तरह का आश्वासन और क्या कुछ रहा? और दिल्ली में शिष्टाचार के नाते मेरा अमित शाह जी से मिलना हुआ, और साथ साथ में हमने हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जो है 7 और 8 तारीख को नवंबर के धर्मशाला में होने वाली है, उसके लिए हमने उनको निमंत्रण भी दिया है। और उन्हें सहज रूप से जो हमारे वैलिडिटी सेशन है 8 नवंबर को समापन जो है उसमें उन्हें आने के लिए स्वीकृति दी है। सर, कितना बेनिफिट मिलने वाला है, किस किस कितनी तरह की कंपनियां सर इसमें बहुत इन्वॉल्व? सारा इन्वेस्टमेंट का स्कोप हम देख रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी 75,000 करोड़ रुपए के MOU अभी तक हुए हैं। और मैं इस बात से सहमत हूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि MOU सारे ही वो इन्वेस्टमेंट की शेप में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अच्छी एक संख्या जो है और ये अच्छे अमाउंट के साथ जो है एक MOU की एक शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा उसका परिणाम रहेगा। थैंक यू सर।